हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी कॉमर्स स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो इन इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में आपको अभी बताऊँगा इसमें जैसे गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब जो होती है उसमें कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है एसएससी और सीजीएल की जो वैकेंसीज़ आती हैं उसमें भी कर सकते हैं इंडियन रेलवे जैसे कि एन यानी कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं एल में ए पोस्ट जो आती है उसके लिए कर सकते हैं और अकाउंटेंट असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट आती हैं उसके लिए कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इसके अंदर क्योंकि उनका जो बेस होता है वो कॉमर्स से रिलेटेड होता है अगर बात करें हम गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब की तो इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में एक वीडियो डाल रखा है आई बॉक्स पे ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो या फिर इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट बैंकिंग की बात करें तो गवर्नमेंट बैंकिंग के अंदर जो आई जो पर्सनल सेलेक्शन बोर्ड हैं उसके अंदर जो पी की जॉब निकलती है वो बीकॉम करने के बाद में बीकॉम करने के बाद में कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है आर के अंदर ग्रेड बी की जो पोस्ट निकलती है वो भी बीकॉम करने के बाद में आफ्टर बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है एस की जो पी की अलग से पोस्ट निकलती है उसमें भी आफ्टर बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है एस क्लर्क आफ्टर बीकॉम अप्लाई कर सकते हैं आई जो क्लर्क की जॉब आती है उसके लिए भी बी कॉम स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और बी कॉम अधिकतर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स करते हैं कुछ ट्वेल्थ के बाद साइंस स्टूडेंट भी करते हैं बस आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप इन बैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर यू जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपने सुना होगा आई है ना और आई और आई ऑफिसर्स जो होते हैं इनके लिए भी कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट इसमें वो चूज़ करके जैसे सोशोलॉजी चूज़ करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कुछ पॉलिटिक्स चूज़ करते हैं ऐसे कैसे कुछ स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट्स चूज़ करके आई आईएफएस और आई ऑफिसर बन सकते हैं यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस तो इनमें कॉमर्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो सी की जो वैकेंसीज आती हैं जॉब्स जो है उसके लिए कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली एलिजिबल होता है आगे बात कर लेते हैं ये तो यू पी सर्विसेज हो गई ठीक है सिविल सर्विसेज हो गई उसके बाद आगे बात करें तो एस एस सी और सी जी एल की जो वैकेंसीज आती है एस एस सी और सी जी एल के लिए जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए भी कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है उसमें जो पोस्ट आती है सी बी एस ई इंस्पेक्टर की या इनकम टैक्स ऑफिसर की है ना इनकम टैक्स तो कॉमर्स वालों से रिलेटेड है पूरा बीकॉम में आप इनकम टैक्स सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं डिटेल के अंदर हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर डाल रखे हैं मैंने इनकम टैक्स के तो इनकम टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये जो पोस्ट होती है इनके लिए कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जब एस या सी जब पोस्ट निकालता है वैकेंसी निकालता है रिक्रूटमेंट निकालता है तब नेक्स्ट इंडियन रेलवे की बात करें तो एन जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है उसके लिए कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो जो पोस्ट होती है वो होती है कॉमर्शियल अप्रेंटिक्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशली अप्लाई कर सकता है जूनियर क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकता है तो ये इंडियन रेलवे एन जो है उसके लिए कॉमर्स स्टूडेंट एलिजिबल होता है नेक्स्ट बात करें तो एल में जो ए की पोस्ट निकलती है वो स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होती है इसमें असिस्ट ए का जो फुल फॉर्म है ना वो होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कई बार अकाउंटेंट सी से रिलेटेड यानी कि अकाउंटेंट के लिए भी ए की पोस्ट आ जाती है या डेवलपमेंट ए की पोस्ट आ जाती है उसके लिए भी कॉमर्स स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके okay. नेक्स्ट बात कर लेते हैं वह है अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट अधिकतर जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना उसके अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की जरूरत पड़ती पड़ती है मतलब इन लोगों को भी तो अकाउंटेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना एक छोटी सी फर्म कंपनी को भी पड़ती है तो ये तो गवर्नमेंट है उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ भी है तो उनमें भी अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो जूनियर अकाउंटेंट या मेन अकाउंटेंट जो होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग 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 स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पोस्ट निकालते हैं वैकेंसी निकालते हैं आप उस पर ध्यान रखें और उस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आप स्पेशली एलिजिबल होते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट और उनके लिए वे अप्लाई करके तैयारी करके एग्जाम दे के जॉब भी उनकी लग सकती हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये अवेयर करना था कि कॉमर्स स्टूडेंट बड़ी बड़ी प्राइवेट्स कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जा सकते हैं तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी इनके लिए स्पेशली निकलती है उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो या कोई आपके डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आज के लिए इतना ही अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू